तो हेलो हिप हॉप फैंस, तो आप लोग का स्वागत है नौमी पंकज चैनल पे। और इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं स्टेफ लंडन एंड सिद्धू मूसेवाले पाजी का जो सॉन्ग डिलेमा है वो हमें कब तक देखने को मिलेगा, इसको लेकर क्या कुछ डिटेल्स अपडेट है इस बारे में बात करने वाले हैं। और क्या ये सॉन्ग ऑलरेडी हमें देखने को मिल चुका है, वैसे इसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट बात कर लेते हैं कि क्या कुछ हुआ है स्टेफ लंडन की तरफ से, क्या अपडेट्स है इस सॉन्ग को लेकर, ये सॉन्ग कब तक देखने को मिलेगा। तो जैसा कि आप लोग को बता दूं कि हमें 24 मई को स्टेफ लंडन की तरफ से एक पोस्ट देखने को मिलता है इंस्टाग्राम पर, जहां पर स्टेफ लंडन जो कि अपने अपकमिंग एल्बम को लेकर अनाउंसमेंट करते हुए दिखाई देती है, जहां पर उन्होंने 20 सॉन्ग्स यानी कि 20 गानों के लेकर अनाउंसमेंट की है, जिसमें से अगर आप देखोगे चौथे नंबर का गाना वो गाना है दिलेमा, जिसमें हमें देखने को मिलेंगे सिद्धू मूसेवाले पाजी के, उनके वर्स होने वाले हैं, उनके गाने होने वाले हैं। तो एक तरीके से ये कोलैबोरेशन होगा, जैसा कि हमें पहले भी इनका एक कोलैबोरेशन ट्रैक देखने को मिल चुका है जो कि सिद्धू मूसेवाले पाजी के चैनल पे आया था। तो यहाँ पर स्टेफ लंडन ने इसको एल्बम में अपने अनाउंस किया है, तो मे बी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जो गाना है वो मे बी स्टेफ लंडन के चैनल पे आए, मतलब स्टेफ लंडन, या फिर वो हो सकता है कि मे बी ये जो सॉन्ग है स्पेशली सिद्धू मूसेवाले पाजी का, वो शायद अगर उनकी टीम चाहे, दोनों टीम एग्री करती है, तो मे बी वो सिद्धू मूसेवाले पाजी के चैनल पे आए, नहीं तो फिर हो सकता है ये एल्बम में अनाउंसमेंट है। तो मे बी इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि शायद ये स्टेफ लंडन अपने यहाँ पे जहाँ पे भी वो अपलोड करवाना चाहती है वहाँ पर वो करवा दे, बट फिलहाल के टाइम पे एल्बम में अनाउंसमेंट है तो इसीलिए डाउट है, नहीं तो फिर वैसे तो अगर सिंगल ट्रैक रहता तो क्लियर मुझे लगता कि भाई सिद्धू मूसेवाले पाजी के चैनल पे ही आता। और वैसे भी अभी भी चांसेस है कि वहीं पे आए, हमें वहीं पे सॉन्ग देखने को मिले, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी रीच भी है और सॉन्ग को उस लेवल का जिस लेवल को उसको जाना चाहिए वो सिद्धू मूसेवाले पाजी के ऑफिशियल चैनल पे अगर सॉन्ग आता है, ट्रैक आता है, तो वहाँ पर डेफिनेटली हमें वो सॉन्ग उस तरीके के उस लेवल पे जाते हुए दिखाई देगा और उस तरीके का परफॉर्मेंस हमें इस सॉन्ग से देखने को मिलेगा। क्योंकि सॉन्ग के जो एक तरीके से जो लाइन है ना भाई, जो लीक हुआ था, जिसको लीक किया था खुद ही स्टेफ लंडन ने, तो डेफिनेटली वो काफ़ी फायर था। और मुझे लगता है कि ये सॉन्ग जब ऑफिशियली रिलीज होगा तो डेफिनेटली ये काफ़ी फायर होने वाला है। वैसे इसको लेकर वो अनाउंसमेंट भी करते हुए दिखाई देती है कि ये जो एल्बम है ये कब तक देखने को मिलेगा, जिसमें उन्होंने कहा है कि भाई ये जो एल्बम है ये हमें जून में देखने को मिलेगा, यानी कि जून में आने वाला है ये एल्बम, तो जून में कभी भी देखने को मिल सकता है, कभी भी ड्रॉप हो सकता है। वैसे जहाँ तक मैं इसको एज एक्सपेक्टेड डेट बताऊँ कि हमें ये गाना कब तक देखने को मिलेगा, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि 11 जून जो कि सिद्धू मूसेवाले पाजी का बर्थ डेट है, उस दिन हमें हो सकता है कि रिलीज़ होते हुए दिखाई दे जाए। अगर उस दिन रिलीज़ होता है तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि फिर ये गाना जो है सिद्धू मूसेवाले पाजी के चैनल पे ही आने वाला है, क्योंकि बर्थडे का फैन वहीं पे हमें देखने को मिलेगा, सॉन्ग कहीं और फिर नहीं देखने को मिलेगा, वो उनके चैनल पे ही फिर आ सकता है। तो लेट्स सी वैसे क्या होता है, क्या यहाँ पर स्टेफ लंडन की तरफ से देखने को मिलता है और वो सॉन्ग कहाँ पे अपलोड होते हुए दिखाई देता है। और फिलहाल के टाइम पे जो हमें एक और देखे हुए अगर आप लोग, तो सिद्धू मूसेवाले पाजी के चैनल पे एंड स्टेफ लंडन के चैनल पे मैंने दो स्क्रीनशॉट यहाँ पर दिखा देना है। सो यूट्यूब की तरफ से ये जो गाना है दिलेमा, इसको ऑलरेडी ऑटो जनरेटेड कर दिया गया है यूट्यूब की तरफ से। अब ये ओरिजिनल गाना है जो हमें देखने को मिलेगा, ये वही है या फिर ये कुछ किसी ने भाई रिमिक्स करके बना के डाल दिया है और वो ऑटो जनरेटेड हो गया है, तो अगर ऐसा कुछ है तो फिर मुझे लगता है कि बाद में ये फिर हट जाएगा और फिर ओरिजिनल जो गाना आएगा जब अपलोड होगा तब वो हमें ऑफिशियली जो कि ऑटो जनरेटेड होते हुए दिखाई देगा पाजी के चैनल पे। बट फिलहाल के टाइम पे ये ऑटो जनरेटेड बन चुका है और इस सॉन्ग को सुनकर लोग समझ रहे हैं कि यही गाना है जो कि हमें हो सकता है कि ओरिजिनली देखने को मिले। अब लेट्स सी ये ओरिजिनली यही होता है या फिर कोई होता है दूसरा, क्योंकि इसका गाना मैंने जैसे सुना जो बीट है वो बीट भी नहीं है पुरानी वाली, जो गाना हमें लीक होते हुए दिखाई दिया था स्टेफ लंडन की तरफ से जो उन्होंने सुनाया था, वो वाला गाना और इसके बीट में काफ़ी सिमिलैरिटी नहीं है, दोनों बहुत ही डिफरेंट है। और ऐसा लग रहा है कि जो गाना है जो लीक हुआ था उस गाने को यहाँ पर रिमिक्स कर दिया गया है, तो देखते हैं वैसे क्या होता है एक्चुअली, कौन सा गाना हमें ओरिजिनली अपलोड होते हुए दिखाई देता है। एक्सपेक्टेड डेट यही कह सकते हैं कि 11 जून हमें देखने को मिलेगा। बाकी आप लोग का क्या ओपिनियन है इस गाने को लेकर, कितने एक्साइटेड हो इसको लेकर, वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो भी करना है कर सकते हो ऐसे हिप हॉप से रिलेटेड अपडेट्स के लिए और वीडियोस के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन गाइस। हर बार ये गेम करे खून मेरा बॉइल करे, लिखनी है कहानी मुझे बोलो ना जुबानी, इन्हें ले लिया सौ फेरा, दिखता ना इनका सवेरा, वर्ड्स और रीलोड स्टार्टअप।